पर और मैं आपका व्यू चाहूंगा। सबसे पहले फार्मा से शुरुआत करते हैं, जहां पर बहुत शानदार मोमेंटम रहा है सुशील, खासतौर से सिप्ला लुपिन, इन दो स्टॉक्स में। यहां पर अब क्या व्यू होगा? देखिए सिप्ला तो बिल्कुल से जो फटता चला गया, अब यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन के हम करीब आ रहे हैं, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। तो जिस तरह से यहाँ लेने की हिम्मत बनाना जरूरी थी, अब यहाँ आगे पीछे कहीं ना कहीं बेच के मुनाफा बुक करना पड़ेगा। कोई ये हर भाव पे लेते ही चले जाए इस तरह का, ना तो ये बाजार है ना स्टॉक है। ठीक है, इसमें कोई लार्ज बड़े प्लेसमेंट की बात चल रही है और एक बड़ा एग्जिट भी इसका मतलब बनता है। कोई बड़ा फंड आके माल ले रहा है तो किसी का माल छूट रहा है। अब ये इस तरह की रेजिस्टेंस लाइन और इतने एक्सट्रीमली ओवरबॉट स्टॉक में सिप्ला में मैं तो यहाँ अपनी खरीदारी की सलाह दे नहीं सकता। आप ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन को बनाए रखिए, जिस दिन ये टूट जाती है मुनाफा बुक कीजिए और निकल जाइए। और दूसरा आपने कौन सा स्टॉक का, सिप्ला के अलावा लुपिन? लुपिन, लुपिन की चार्ट देखिए थोड़ी सी एक अलग रही, पर अब ये भी एक एक्सट्रीम ओवरबॉट पॉइंट पर आ चुकी है। हमारी जो पुरानी फोरकास्ट यहाँ से और दोबारा यहाँ से थी कि हम करीब करीब इस जोन में आने के बाद फिर से नए लो में जाएंगे, तो अभी भी इस जोन पे रिवर्सल नहीं दिया है और भी ऊपर शूट अप करता जा रहा है। हम सामना नहीं करेंगे, पर हमने इसको इंतजार में डाल देना है। हम इसका इंतजार करेंगे कि कब ये घूमे और उसके बाद हम बेचेंगे। अगर ये नहीं घूमेगा और भी चलता चला जाएगा, तो हर चीज पे राइट होना और हर मूवमेंट पे पैसा कमाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों ही नहीं है। तो ये एक्सट्रीम ओवरबॉट है, वेव काउंट्स पूरी है। अब कोई भी कारण से अगर ओवर स्ट्रेच हो भी रहा है तो जिनके पास है वो अपना संभाले, अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन रखें, या नई एंट्री की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दे सकता।